इतिहास में राजस्थान के किसान आंदोलन बढ़ रहे हैं और किसान आंदोलन में अपन ने बिजोलिया आंदोलन कल तक की क्लास में अपन ने पूरा कर लिया था। कई विद्यार्थियों का मेरे पास फोन आया था, इसलिए मैंने एक सारणी के रूप में पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि किसान आंदोलन में या तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी साल में किसान आंदोलन हुआ था, या पूछा जाएगा कि उसका नेतृत्व करता कौन था, या पूछा जाएगा वो आंदोलन कहां पर हुआ था। तो विस्तृत आंदोलन तो अपने को पढ़ने ही है। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एक सारणी बनवाता हूं और उसमें अपन आंदोलन का नाम, उसकी सन और उसका संस्थापक यानी उसका नेतृत्व करता और वो कौन सी जगह पर आंदोलन हुआ था, ये सारणी इसी सारणी में से मान लेना परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि विस्तृत पढ़ाने वाला हूं मैं। अब देखो, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और किसान आंदोलन की जो पहला आंदोलन है, क्रम से लिखेंगे अपन सारे आंदोलन, ये अपना पहला आंदोलन होगा और इस आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया का किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी ध्यान रखना, तो 1857 में शुरू हुआ था। और ये बिजोलिया कहां स्थित है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। अब देखो, बिजोलिया आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो पांच थे, तो मैंने आपको लिखा दिया, तो उनको अब यहां लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजोलिया आंदोलन अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। साधु सीताराम दास इसका प्रारंभिक नेतृत्व करता था। दूसरा जो आंदोलन था उसका नाम था एक की किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, एक की किसान आंदोलन। और एक ही किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, 1921 में शुरू हुआ, और इसका जो नेतृत्व करता था वो मोतीलाल तेजावत था। कौन था, मोतीलाल तेजावत, ये इसका क्या था, नेतृत्व करता था। एक ही किसान आंदोलन ध्यान रखना सिरोही जिले में हुआ था। कहां हुआ था, तो अपन यहां लिख देंगे सिरोही, इसका मतलब हो गया कि सिरोही जिले में हुआ था। उसके बाद में जो तीसरा आंदोलन रहेगा अपना, उसका नाम है बेंगू आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन। ये तो अपने को मालूम ही है, अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। ये भी ध्यान रखना कब हुआ था, 1921 में, और इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने। और बेंगू किसान आंदोलन कहां हुआ था, चित्तौड़ में। बेंगू का आंदोलन कहां हुआ था, चित्तौड़ में। यानी बेंगू उस समय भीलवाड़ा में था आंदोलन के समय, लेकिन आज कहां है, चित्तौड़ में। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आंदोलन रहेगा हाड़ौती किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन, हाड़ौती का किसान आंदोलन। तो हाड़ौती जो आंदोलन था उसको ध्यान रखना कोटा बूंदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और हाड़ौती किसान आंदोलन ध्यान रखना 1926 में हुआ था और इसका नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था। नैनू राम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पर ये हुआ कहाँ था, तो अपन लिख देंगे कोटा बूंदी, इसीलिए इसको कोटा बूंदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आंदोलन आएगा मेव आंदोलन, अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन। यानी मेव के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसे मेव आंदोलन कहते हैं। और ये कब हुआ था, 1932 में, और इसका नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली बेग ने। किसने किया था,
दावला किसान आंदोलन ध्यान रखना 1947 में हुआ था। दावला कब हुआ था? 1947 में। और दावला किसान आंदोलन जो चलाने वाला था, नेतृत्व करता, उसका नाम था मथुरा दास माथुर। क्या नाम था? मथुरा दास माथुर। और दावला किसान आंदोलन ध्यान रखना डीडवाना नागौर में हुआ था। डीडवाना कहाँ स्थित है? नागौर में। उसके बाद में एक आंदोलन था दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन, और दुधवा खारा किसान आंदोलन था वो 1946 में हुआ था, और इसका नेतृत्व वेद मक्खा राम ने किया था। वेद मक्खा राम ने। और ये कहां हुआ था? बीकानेर में। कहां हुआ था ये? बीकानेर में। उसके बाद में एक आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। एक आंदोलन कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन ये किया गया था 1928 में, और इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था कृष्ण सिंह। और ये कहां हुआ था? भरतपुर में। ये कहां हुआ था? भरतपुर में। उसके बाद में एक आंदोलन था शेखावाटी का आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? शेखावाटी आंदोलन, जिसको जकात आंदोलन या कोरावाटी का आंदोलन भी कहा जाता है। ये हुआ था 1939 में, और इसका नेतृत्व किया था हरदयाल जोशी ने। किसने किया था? हरदयाल जोशी और किशोरी देवी। किशोरी देवी। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था ध्यान रखना सीकर और झुंझुनू में। कहां हुआ था? सीकर और झुंझुनू में। उसके बाद में एक आंदोलन अपना था भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भक्त आंदोलन। और भक्त आंदोलन कब हुआ था? तो भक्त आंदोलन 1883 में हुआ था ध्यान रखना। कब हुआ था? 1883 में, जहां पर संत सभा की स्थापना की गई। तो विस्तार पढ़ेंगे इसका। और गोविंद गिरी इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। और ये कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में। कहां हुआ था ये? बांसवाड़ा में। और एक जो अपना आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम था ध्यान रखना तोल आंदोलन। तोल आंदोलन यानी तोल के प्रति ये आंदोलन किया गया था। ये किया गया था 1920 में, और इसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो था चांदकरण सारदा। चांदकरण सारदा। और ये कहां पर हुआ था? जोधपुर में। कहां पर हुआ था? जोधपुर में। ये मैंने आपको पूरा एक सारणी के रूप में बता दिया। राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आपसे किसान आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है, तो अपने को ये मालूम है कि किसान आंदोलन में या तो ये पूछेगा कि ये कब हुआ था, या ये पूछेगा कि ये कहां हुआ था, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नेतृत्व किसने किया था मोटे तौर पर। उसके बाद ये तीनों प्रश्नों का उत्तर अपने पास आपके सामने है। केवल एक झटके में ये सारे याद हो जाएंगे। 11 किसान आंदोलन मैंने आपको लिखा दिए हैं। इनके अलावा राजस्थान में शायद कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ होगा, और इन्हीं में से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। इसको पूरा आप लिख ले एक बार, यदि लिखे नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे अपन आगे बढ़े। अब आपको
छिंदवाड़ा में हुआ था, ध्यान रखिए इस बात का। एक ही किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 में मोतीलाल बेजावत ने उसका नेतृत्व किया था। ये कहां हुआ था? सिरोही में, क्योंकि इसकी दो सभा हुई थी, जो एक उदयपुर में और एक सिरोही में। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में का इसका नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। और ये कहां हुआ था? बेंगू कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हाड़ौती किसान आंदोलन 1926 में हुआ, जिसको कोटा बूंदी आंदोलन भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व नैमू राम शर्मा ने किया है। और ये कहां हुआ था? कोटा बूंदी। अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन, इसका पूरा नाम क्या है? अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन। ये कब हुआ? 1932 में। इसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। और ये अलवर और भरतपुर दोनों ही रियासतों में हुआ था। डाबला किसान आंदोलन कब हुआ था? 1947 में। इसका नेतृत्व किसने किया? मथुरा दास माथुर ने। और ये कहां हुआ था? तो डीडवाना नागौर में। दुद्वा खारा किसान आंदोलन, क्या नाम है? दुद्वा खारा किसान आंदोलन कब हुआ? 1946 में। नेतृत्व किसने किया? वेद मक्खा राम ने किया। और ये कहां हुआ था? बीकानेर में। शुद्धि आंदोलन अगला आंदोलन है। शुद्धि आंदोलन कब हुआ? 1928 में। नेतृत्व किसने किया? कृष्ण सिंह ने किया। और ये कहां हुआ? भरतपुर में। शेखावाटी किसान आंदोलन 1939 में हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन को तोरावाटी किसान आंदोलन और जगात किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये 1939 में हुआ था। हरदयाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, किशोरी देवी, दुर्गा देवी, इन सब ने इसका नेतृत्व किया था। मैंने यहाँ आपको दो लिखा दिया, हरदयाल जोशी और किशोरी देवी। ये सीकर और झुंझुनू में हुए थे। अगला आंदोलन था भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन। ये कब हुआ था? 1883 में। भक्त आंदोलन कब हुआ? 1883 में। इसका नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी ने किया। किसने किया? गोविंद गिरी ने। और ये मानगढ़ पहाड़ी में बांसवाड़ा पर हुआ था। बांसवाड़ा भी मानगढ़ पहाड़ी है, वहां पर ये आंदोलन किया गया था। तो भक्त आंदोलन 1883 में, गोविंद गिरी इसका नेतृत्व किया और बांसवाड़ा में हुआ था। अगला आंदोलन है तोल आंदोलन, यानी एक शेर को 800 ग्राम में बदल दिया गया था। तो यानी अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं, शेर का मतलब होता है एक किलो। शेर का मतलब क्या होता है? एक किलो। एक शेर को 80 में, 80 यानी 80 का मतलब होगा 800 ग्राम में बदल दिया गया था। तो उसी के विरोध में आंदोलन किया गया था। ये 1920 में हुआ था। चांदकरण सारदा ने इसका नेतृत्व किया था और ये जोधपुर रियासत में आंदोलन किया गया था। इसको यदि आपने याद कर लिया तो मान लेना किसान आंदोलन आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि अब मेन चीज तो यही है कब हुआ, कहां हुआ, किसने नेतृत्व किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। यदि ये सारा आपको याद हो गया तो बाकी की जो छोटी मोटी और जो भी इससे संबंधित जानकारी है उनमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है इनकी सन, कि सब सन कैसे याद की जाए। तो ये सारी आपके अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आज की क्लास में विस्तृत में पढ़ा करके और सारे किसान आंदोलन जो भी है अपने वो सारे मैंने एक साथ लिखे और उनकी सन बताई, नेतृत्वकर्ता बता दिया और कहां हुआ, मैं चीजें यही है। किसान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब तक जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपने एक ही बेगू हाड़ौती जो भी बचे हुए हैं वो अपने को विस्तार से सारे पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने बिचौलिया ही विस्तार से पढ़ा है। इनके अलावा एक नीमू चाना किसान आंदोलन और हुआ था। कौन सा किसान आंदोलन? तो मैं यहाँ लिखूंगा उस आंदोलन को, आप भी लिख ले, क्योंकि नीमू चाना किसान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है। नीमू चाना किसान आंदोलन ध्यान रखना 1925 में हुआ था और नीमू चाना किसान आंदोलन अलवर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर जिले में। एक मीनाओं के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, जिसका नेतृत्व ठक्कर बप्पा ने किया था और वो 1945 में आंदोलन किया गया था। तो ये अपना 11वां तोल आंदोलन 11वां है, 12वां आंदोलन हो गया नीमू चाना, और जो
इन 13 आंदोलनों के अलावा राजस्थान में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि मेरे को 13 याद करने हैं और कोई याद नहीं करना है। कोई यदि एग्जाम में आंदोलन में से प्रश्न आता है तो इससे बाहर कुछ भी जाने वाला शायद नहीं होगा, क्योंकि यही पूछा जाता है, क्योंकि अपन ने कोई भी किसान आंदोलन बाकी नहीं छोड़ा है और इनका विस्तार रूप अब आने वाले वीडियो की जो पार्ट होंगे उनमें आपको बताया जाएगा। तब तक ये आप अच्छी तरीके से याद